कोई समर्थक नहीं हो रही, 4-10 ले आता है कोर चैंपियन, क्षेत्र में जाओ गाली बकरे दोनों को कि मत ड्रामा, अरे इतनी बड़ी नौटंकी कर दी है, जाके फिल्मों में काम करो, एकता कपूर से बात कर लेती हूँ, वहीं जाके काम करो, उससे बात करती हूँ मैं बम्बई, अगर तुम्हें यही सब नाटक फरेब करने हैं और अगर फिल्मों की तरह काम करना है और रेसलिंग करनी है, जाके जरा देश का नाम रोशन करो, इतने बड़े रेसलर बाज हो जो अपने रेसलिंग करने इसके चमचे आ रहे हैं ना, 4 वो जा रहा चमचों को लेकर, 4 वो जा रहा, ये सब ड्रामा इस उत्तराखंड में नहीं चलेगा। ये खानपुर विधायक तो मुझे भी समझ में नहीं आता, और तमाम देखिए कुंवर चैंपियन तो कम से कम थोड़ा अकल रखे, कहाँ मुँह लग रहा है उसके, वो छिछोरा आदमी है उमेश कुमार, कहाँ उसके मुंह लग रहा है, तो क्या करता ना कि इतनी शादियाँ करूँगा, अरे शादी के नाम पर तो ठगी करता है ये, 5-5 लाख रुपए लाता है वहाँ से और 50,000 रुपये एक शादी में लगा देता है, उसमें भी कमाई है इसकी, अरे करना चाहते तो एक परिवार तुमने गोद लिया था उनको तो पाल ले, जो ड्रामे कर रहा है शादियों के, अपना फेसबुक चमका रहा है, ये सब ढकोसले हैं, सब ड्रामे हैं, अब नहीं चलने वाले, उत्तराखंड की बेटी आ चुकी हूँ, सबको नंगा कर दूंगी सबको, और खास मैं तो सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भैया ये रेसलिंग बाजी कम दिखाओ, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं और इतने सारे मुद्दे हैं, और ये खानपुर विधायक तो मुझे भी समझ में नहीं आता, और तमाम देखिए कुंवर चैंपियन तो कम से कम थोड़ा अकल रखे, कहाँ मुँह लग रहा है उसके, वो छिछोरा आदमी है उमेश कुमार, कहाँ उसके मुँह लग रहा है, तो कम से कम अपना गरिमा का ध्यान करा कर, और मैं चैंपियन के लिए मैं एक आपके माध्यम से बोलना चाह रही हूँ कि ये जो हो रहा है ये बहुत ख़राब बात है, और उमेश कुमार हो चाहे चैंपियन, ये दोनों एक ही है, बता दिया मैंने, मैं कहना चाहती हूँ चैंपियन से कम आप अपने परिवार की गरिमा रखिए, कम से कम आप अपनी पार्टी की गरिमा रखिए, वो तो फ्रॉड है, उसके चक्कर में कहाँ पड़ा है, कहाँ छिछा लेदर करवा रहा है, और मुद्दे बहुत है आपकी विधानसभा में, आप देखिए तमाम 3 लोग ट्रकों से कुचले गए, उनके मुआवजे के लिए मैं धक्के खा रही हूँ, चिट्ठी वकील से बना के, तुम मुख्यमंत्री से क्या, इन दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बात करी किसी से, जो कि इनका काम है, तनख्वाह ये ले रहे हैं, एक पेंशन ले रहा है, एक तनख्वाह ले रहा है, एक पेड़ से दब के मर गया इनके गाँव का, इनकी विधानसभा का, मुटका गाँव का, और अभी इनके क्षेत्र में रात को 2 घंटे तक पुलिस नहीं आई, मछलियाँ सौ को मछलियाँ खा रही थी, 200 मिले तालाब में, हफ्ते में 2-2 बार 100 मिल रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्रों का ध्यान करो, ताकि कल वोट मांगने जाओगे कैसे जाओगे, उसको तो उसकी तो काट की हड्डी है, एक ही बार जल गई, दोबारा तो उसको कहीं से ना वोट मिलने वाली ना उसको वोट लड़ेगा, और वो यही सब हर तीसरे दिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अपने फेसबुक में डालता है, यहाँ के युवाओं को भटकाता है, अरे मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ भाइयों, तुम्हें कौन सा फिल्म में चांस दे रहा है वो, और कौन सा तुम लोगों को हेलीकॉप्टर में एक बार घुमा दिया, विधायक बन गया, विधायक नीति वो ले रहा है, और अब तुम ठन ठन गोपाल रहो, अब कुछ नहीं करवाया, जो जिस चीज़ के लिए होड़ लगी ना, वो कल परसों मुझे किसी का फ़ोन आया था ढड़ेरा से, वो सड़क न बनी है न बनेगी, उसको मैं ही पूरी कराऊंगी, कुछ नहीं करेंगे, खाली होड़बाजी है, खाली फेसबुक और ट्विटर और क्या कहते हैं चमकाने, इनको पब्लिक को भ्रमित करना है, अब ये मोदी जी के राह पर चलना चाह रहे हैं, अरे मोदी जी तो अलग बात है, पूरे देश में उनकी भाजपा की पार्टी है, तो कुछ लोग का तो ये कहाँ उनका मुकाबला कर पाएंगे, इन लोगों को क्षेत्रों में काम करना चाहिए, इनकी जो जो पेंशन ले रहे विधायक नीति ले रहे उनको काम करना चाहिए, पिछले साल मेरे पास आया था एक अंकित गुजर लड़का, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तो उनके राशन का हिसाब किताब, उस समय हम 700-700 रुपये की किट बांट रहे थे, तो मैंने 1 साल का किट का पैसा उनको भेजा था खाने का, अभी मैं दोबारा गई हूँ, अभी 7-8 महीने 1 साल हुआ है, तो मैं अभी उसकी माता जी से बात करने गई, तो मैं कहना चाह रही हूँ जो मौजूदा आपका विधायक है जो भी सो कॉल्ड विधायक, तो उसको मैं कहना चाहती हूँ कि जाए जिनको गोद लेके तू 400 वोट ले आया था उस गांव से, और जिनको लेके तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, गोद ले लिए
उनके माँ बाप एक्सपायर हो गए हैं, उनको मुआवजा मैं दिला रही हूँ सरकार से, और उनका घर बनवा दे, उनका झोड़ में घर है तालाब में, घर टूटने जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ना कि इतनी शादियाँ करूँगा, अरे शादी के नाम पर तो ठगी करता है ये, 5-5 लाख रुपये लाता है वहाँ से और 50,000 रुपये एक शादी में लगा देता है, उसमें भी कमाई है इसकी। अरे करना चाहते तो एक परिवार तुमने गोद लिया था, उनको तो पाल ले जो ड्रामे कर रहा है शादियों के, अपना फेसबुक चमका रहा है, ये सब ढकोसले हैं, सब ड्रामे हैं, अब नहीं चलने वाले। उत्तराखंड की बेटी आ चुकी हूँ, सबको नंगा कर दूंगी सबको, और ख़ास तौर से आपके माध्यम से कुंवर चैंपियन को बोलना चाहती हूँ। एक तरफ तो दीदी कहता है, तेरा मुंह नहीं थकता दीदी कहते कहते, और दूसरी तरफ मेरा ही वीडियो डाल रहा है कट करके, अरे थोड़ा तो शर्म कर कर चैंपियन। एक तरफ तो लाखों रुपये तेरे पीछे लगा दिए मैंने उमेश के केस लड़ने में, और क्या कहते 40 लाख रुपये लग चुके अब तक, दे वापस मेरे। कल के अगर तूने मेरे को तू दीदी कह के मेरा वीडियो काट रहा है और मेरा आधा वीडियो लगा रहा है तो पैसे वापस कर मेरे, और अब से आगे पिछली बार के डेट से यही देगा पैसे, अब मैं नहीं लड़ूंगी। क्यों तू पैसे, विधानसभा तुमने लड़नी है, और मुझे बहुत गुस्सा है चैंपियन पर, मैंने इतना हल्का आदमी नहीं समझा था उसको, एक मेरे घर आता था ये अपनी बीवी को लेकर जब तक केस लड़ना था, अब जब केस लड़ लिया एक साल हो गया, पैसा खर्च करते करते एक रुपया खर्च नहीं करते, अब पिछली डेट से दे रहा है वकीलों को फीस। मैं इलाहाबाद से वकील ला रही हूँ, मैं नई दिल्ली से फीस वकील ला रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के, और तमाम मैं कहना चाहती हूँ तू केसों के को कमज़ोर मत कर, ये तो तुझे उमेश कुमार उकसा उकसा के केसों को हाईलाइट करना चाहता है ताकि केस कमज़ोर पड़ जाए, तो केसों का जिक्र मत कर। मैंने पहले भी कहा था कोर्ट चैंपियन को, अब भी कह रही हूँ, आप लोग के माध्यम से सलाह दे रही हूँ कि अब कोर्ट कचहरी के वो बार बार क्यों कह रहा है एफ आई आर दो, उसको पता है कि कल कोर्ट में पेश कर देगा। पिछली बार भी इसने ऐसे उकसाया और जाके कोर्ट में प्ली लेने लगता है, ये इतना फ्रॉड आदमी है, ये हर तरह से चित भी मेरी पट भी मेरी सिक्का इसके बाप का, ये नहीं होगा, इसको भेजूंगी जहाँ से आया है गाजियाबाद, गाजियाबाद से पाकिस्तान जाएगा ये। कोई समर्थक नहीं हो रही, 4-10 ले आता है कुंवर चैंपियन, क्षेत्र में जाओ गाली बक रहे दोनों को कि मत इतना ड्रामा, अरे इतनी बड़ी नौटंकी कर दी है, जाके फिल्मों में काम करो, एकता कपूर से बात कर लेती हूँ, वहीं जाके काम करो, उससे बात करती हूँ मैं बम्बई, अगर तुम्हें यही सब नाटक फरेब करने हैं और अगर फिल्मों की तरह काम करना है और रेसलिंग करनी है, जाके जरा देश का नाम रोशन करो, इतने बड़े रेसलर बाज हो जो अपने रेसलिंग करने इसके चमचे आ रहे हैं ना, 4 वो जा रहा चमचों को लेकर, 4 वो जा रहा, ये सब ड्रामा इस उत्तराखंड में नहीं चलेगा। आज सुबह मेरे एक आंदोलनकारी भाई से बात होती, हमें दुखी होता है हमें इन लोगों को देख कर, बड़ा दर्द होता है कि ऐसे लोग हमारे, हमने राज इसलिए लिया था कि ऐसे सड़क छाप जो उमेश जैसा आदमी जो क्या कहते विधायक बन गया, और उसके बाद जाके हमें बड़ा आहत हुए होते हम दिल्ली के आंदोलनकारी, बात होती भाई क्या है ये, हमने राज इसलिए लिया, हम आंदोलनकारी की आत्मा मत दुखाओ, हमने इसलिए, और मैं बता रही हूँ एक एक को विधानसभा में घुसने नहीं दूंगी, और ऐसा करोगे वैसे मुझे विधानसभा लड़ने का कोई प्लान नहीं है, तो मुझे तो लगता है खानपुर से विधानसभा मुझे लड़नी पड़ेगी उमेश की विधायकी समाप्त होने के बाद। कुंवर चैंपियन को आगाह कर रही हूँ मैं, ये काम बंद कर दे वरना विधायकी मैं लड़ूंगी वहाँ से, फिर अभी तो मैं लोकसभा की तैयारी कर रही हूँ, अगर ज़्यादा अगर तुमने इस तरह से परेशान किया, बदनाम किया उत्तराखंड को, नाम खराब किया, तो खानपुर से विधायक विधानसभा का पर्चा मैं भरूंगी, लोकसभा तो लड़ूंगी लड़ूंगी सान विधायक। आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन क्षेत्र में आप आजकल थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, आजकल आप कहाँ दिखेंगे? देखिए क्षेत्र में तो आप मेरी वीडियो देखते होंगे, कभी मैं इतने बड़े बड़े गाँव हैं, कभी मैं लक्सर गाँव, कभी मैं खानपुर, और कभी मैं रायसी, कभी मैं बुग्गा वाला, और तमाम में आजकल अभी सिटकुल आने इन्होंने चिन्हित किए हैं 4-5, तो अभी ये लोग पीपी मोड पे सिटकुल चाह रहे हैं, इन्वेस्टर चाहिए, तो मेरे कुछ लोग हैं, मैं हैदराबाद के लोग हैं जो बाबा केदार आते हैं, तो उनको मैं ज़मीन दिखा रही हूँ लगातार 3 दिन से लगातार, और आज अभी मेरे चेयरमैन आ रहे हैं और मैं उनको लैंड दिखाने जा रही हूँ, फाइनल करा रही हूँ, वो डेवलप भी करेंगे और हम लोग 17% सिटकुल को डेवलपमेंट चार्ज देंगे, 5% हम कमीशन देंगे, वो जो बेचेंगे सिटकुल बेचेगी, लैंड परचेज एवं डेवलपमेंट हम लोग करेंगे और मैं करूंगी। मैं तो चुनाव लड़ने से पहले चाहती हूं यहां पर 3-4 सिटकुल में का श्रेय मुझे जाए और मैं लगाऊं ताकि मेरे युवाओं को रोज़गार मिले, और यही शर्त होगी कि 85% मेरे उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार मिलेगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर मेरे लोकसभा के लोगों को मिलेगा, सेकेंड नंबर पर अदर लोकसभा को, और उसके बाद तमाम वेंडर, तमाम ठेकेदारी, लोकल सब उत्तराखंड के लोग करेंगे, और मैं चाहती हूँ इस उत्तराखंड में एक नई शुरुआत हो
और ये सब अंटसंट वर्थ, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है आपके माध्यम से तमाम रुड़की के पत्रकारों को, तो आप तो कम से कम अपना स्टेटस मत गिराइए, रिक्वेस्ट है कि ये इतनी छोटी छोटी बातें मत डालिए प्लीज़, आहत होती है जनता, आप लोगों को भी ऐसा ही समझती है जैसे ये लोग हैं, तो इसलिए विनती है कि आप पत्रकारों से आग्रह है मेरा कि ये सब नाटकबाजी, ये नौटंकी, ये कठपुतली डांस मत दिखाइए प्लीज़।